ये टूट गया ऊपर चढ़ते जाते ना एक दो लोग भी सुबह सुबह लोग कैसे उठ के ऐसे पूल वूल में आ जाते हैं यार, यहाँ तो हमसे नाक ही नहीं खुल रही। एक गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अपन निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, आज पहली बार ऐसा है। और ये ब्रेकफास्ट की वजह से हम नहीं उठे, हम उठे इसकी वजह से, क्योंकि भाई को कल अचानक से मन किया कि भाई सारे भाई लोगों से मिलते हैं, मीटअप करते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, अभी यहाँ पे आए। एक्चुअली कल बहुत सारे लोग ना बाहर रिसेप्शन पे आके वेट कर रहे थे, कुछ लोग तो ऊपर भी आए थे। तो हमने कहा चलो यार इतने सारे लोग हैं तो एक मीटअप प्लान ही करते हैं, और मीटअप है सुबह 10 बजे का। अब एग्जैक्टली कितने लोग आते हैं, क्योंकि हमने कल रात में 11 12 बजे स्टोरी डाली है। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की है, मेरे को पूरी और छोले भी मिल गए थे, और प्लेट भी भर ले, पेट भी भरेगा। हाँ एग्जैक्टली यार, क्योंकि अब अपने को डायरेक्ट यहाँ से तो बहुत या जेबीसी का है। हाँ मेरा है आई लव डोसा यार। भाई अभी फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम हो गया है 10:15, इसकी वजह से लेट हैं। और ये मेरे को झूठ मत बोलो, इसकी वजह से लेट हैं और अभी नीचे चल रहे हैं। चलो भाई फाइनली अच्छा। इधर भी काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कल हमने जब स्टोरी डाली थी तो कैसे हो भाई, कैसे हो? होटल वाले तो निकाल देंगे। हमें लगा नहीं था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। आधा हरियाणा बैठा है, एक एक को बुला देंगे। चश्मा किसका गिरिया भाई, किसी का चश्मा है? कोई नहीं, नहीं आ जाओ भाई, ये लो चश्मा भाई, कोई मांगेगा तो दे देना भाई, चश्मा जिसके पास है। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। हमें लगा था कि यहाँ पे लोग नहीं रहेंगे, बट ये देखो ओ, इतने सारे लोग। अरे बहुत सारे लोग हैं यार, मतलब हमें भाई किसी का मिस तो नहीं हुआ? बस थोड़ी हवा भी है,
अच्छू भैया भाग गए। भयंकर गर्मी है, भयंकर। मतलब अभी हम फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं और अभी भी बहुत सारे भाई लोग हैं साइड में, और ये अपना ये टूट गया। ऊपर चढ़ते जाते ना, एक दो लोग भी चढ़ गए तो मैं भी इधर चढ़ गया था, तो ये टूट गया। किस साइड निकलना है? इस साइड। इस साइड, ठीक है। गर्मी मतलब मैं पसीने पसीने हो गया पूरा। इतने सारे लोग थे ना कि भाई किसी का अगर मिस हुआ ना फोटोग्राफ तो आप देख रहे थे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। मैं पूरा पूरा का पूरा ना भीग चुका हूँ और फिलहाल अभी निकले हैं। बट बहुत बहुत थैंक यू यार सभी लोगों का जिनसे मिल पाया इंडिविजुअली। एक्चुअली इतने सारे लोग थे ना कि सबसे बात नहीं कर पाया, बट अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सबके साथ एटलीस्ट एक सेल्फी तो ज़रूर खींचूं। और इतना सारा प्यार मिला जितना एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। मतलब हमने कल रात में 11 बजे मीटअप का ये डाला एंड लोग अहमदाबाद तक से आए थे। तो थैंक यू सो मच भाइयों, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा रोड पे भी ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि आगे हमारे ट्रक भी है और अभी टोयोटा जाके देखना पड़ेगा क्योंकि भाई इसको तो बनवाना ज़रूरी है ना। अपनी गाड़ी का आगे से बोनट भी पचक गया है। ये गाड़ी के ऊपर चढ़े थे हम और फिर हमारे देखा देखी दो तीन लोग भी चढ़ गए। वो तो थैंक गॉड मेरा फुटरेस्ट अंदर था, ऑटोमेटिक वाला था, नहीं तो फुटरेस्ट आज पक्का गया था। भाई मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की सब लोगों के साथ फोटो लेने की, अगर कोई मिस हो गया तो भाई हाथ जोड़ के सॉरी, मतलब दिल से सॉरी, हाथ जोड़ के सॉरी। बट अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन इतनी ज़्यादा लोगों का प्यार इतना ज़्यादा रहा, इतना ओवरफ्लो हो रहा था कि मेरे तो अभी गले से मैं वहाँ पे बोलते बोलते फिर तो मैं शांति हो गया। फिर मैं जहाँ जो मुझे जिस तरफ खींच रहा था मैं उसके साइड चला जा रहा था, जो जिसका कैमरा दिख रहा था मैं सब में फोटो ले रहा था। अभी अजू भाई भी शायद इसी रोड पे हैं और सामक ख्याली करके एक जगह है, तो भाई के फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरे को वहाँ से निकाला कि भाई आप धीरे धीरे करके गाड़ी में बैठो और फिर निकलो। अदरवाइज बहुत लोगों का प्यार यार, मतलब इतना मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कम ड्यूरेशन में इतने सारे लोग आएंगे यार। बहुत अमेजिंग, बहुत मजा आया यार। ये बोनट डब गया अपना, इसको ना एक बार बोनट खोल के चेक कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा कर्व हो गया है और बाकी अंदर का एक बार देख रहे बाइक का चार्ट। ये अच्छा, ये थोड़ा हिल गया था, बहुत लोग थे ना तो ये थोड़ा हिल गया था। पीछे लोग एक्चुअली बम्पर तक आए थे, तो बम्पर तो अपना सही है भाई। भाई बहुत लोग ऐसे चढ़ के ऊपर फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे कैमरा दे रहे थे ना, डाल दो भैया जीरो करके, डीजल है ना। थैंक यू। बोनट एक बार खोल के ना उसको सही कर लेते हैं यार। मेरे को ना गाड़ी का थोड़ा सा ना ज़्यादा फिनिकी होना, ज़्यादा टेंशन होती है। बाकी अज्जू भी आ गया, भाई भी आ गए। भाई ने मेरे को बचाया यार, भाई अगर नहीं रहते ना तो आज तो मैं मर जाता। भाई ने सबके बीच से मेरे को निकाला। थैंक यू सर। आप नहीं रहते ना तो मतलब, अरे ये तो सही हो गया। हाँ ये तो सही हो गया, ये बस हल्का सा थोड़ा सा और ये है ना। भाई अपने डीजल वीजल तो ले लिया अपनी गाड़ी में, अब टैंक हो गया लबा लब। अब धीरे धीरे करके हाईवे पे बढ़ते। ये हमारा वो मेन डोलावेरा है ना, तो आज का जो हमारा सीन है ना वो है ये है कि हम जा रहे हैं रोड टू हेवन। मतलब हम भगवान के पास नहीं जा रहे हैं, बट डेफिनेटली वो जगह ना हेवन से कम नहीं है। पूरा हमारा गुजरात का जो प्लान बनाना वो बना डोलावेरा के लिए। जिस दिन से हमने वो रील देखी थी ना रोड टू हेवन वाली, उस दिन हमने डिसाइड कर लिया था भाई यहाँ पे जाना है। बट क्योंकि यार आपने जो रील देखी ना वो कब शूट की गई है वो नहीं पता था, तो भाई ने भी अपने चैनल पे डाला था कि भाई बताओ। प्लस मैंने भी इंस्टाग्राम की एक स्टोरी भी डाली थी, इंस्टाग्राम में शायद डाला था या पता नहीं कहाँ डाला था, तो सबने कहा कि भाई आप यहाँ पे जाओ और ये सीरियसली जहर लोकेशन है। फिलहाल टेम्परेचर देखो, हम तो प्लान ये कर रहे थे कि सनसेट या सनराइज के टाइम पे जाएं कि बहुत अच्छा गोल्डन आवर वाला शूट करें, बट क्योंकि ये मीटअप इतना रैंडम कल रात में 11 बजे प्लान हुआ ना, तो फिर निकलते तो फिर वो 10 बजे का मीटअप था, एक डेढ़ घंटे वहाँ रह के फिर निकले, तो उसमें थोड़ा सा टाइम है। अब जब हम पीक गर्मी होगी ना एग्जैक्टली 3 बजे, तो हमारा अराइवल 3 बजे का दिखा रहा है। तो मिला जुला के 200 किलोमीटर है अपने होटल से, 190 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ लग रहा है। ये कौन सा शहर है? बचाओ। तो यहाँ सब एक दूसरे को बचाते रहते हैं। नहीं, बचाओ। भाई फिलहाल हम रापर वाले रोड पे आ गए हैं और यहाँ से अपना 136 किलोमीटर दिखा रहा है। थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो गया था क्योंकि हम अलग अलग निकले और फिर बीच में फिर अलग अलग हो गए। तो अभी रुक के ना, ये भाई वॉकी से जो सहूलियत होती है ना कि आपको इंडिविजुअली कॉल नहीं करना पड़ रहा है। और कॉल पे अभी क्या हो रहा है ना कि मैं तो अपना फ़ोन ना एंड्रॉयड ऑटो नहीं, एप्पल कार प्ले कनेक्ट किया है, बट जो माइक है ना वो इस पर लगा रहता है। अब भैया वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है तो अब इस पर कॉल तो आ रहा है, लेकिन कॉल अटेंड करने के लिए मेरे को फ़ोन निकालना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ माइक तो है नहीं, क्योंकि उससे मेरी सामने वाली की आवाज़ आ रही है, मेरी नहीं जा रही है। तो जिसको मेरी आवाज़ नहीं सुननी है वो मुझे कॉल कर सकता है। नंबर मैं अज्जू भाई का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।
पहुंच गए एक रेल की पटरी पे, हाईवे मेन हाईवे को छोड़ दिया और अब तो ये कोई रास्ता नहीं दिखा रहा है। अब ये ना रापर की तरफ हम जा रहे हैं और भाई कह रहे थे कि रापर में ही लास्ट खाना मिलेगा, उसके आगे खाना सीधे भुज में मिलेगा। क्योंकि हम ना डोलावेरा बेसिकली ना एक पूरा रोड है, एक साइड से हम घुसेंगे। किस साइड से हम घुस रहे हैं? डोलावेरा से घुस रहे हैं। नेक्स्ट एग्जिट अपना होगा वो खावड़ा, टुवर्ड्स खावड़ा रहेगा, टुवर्ड्स खावड़ा रहेगा। तो भाई अपने को तो पता नहीं है, भाई अपने गूगल है साथ में, हम गूगल साथ में लेके चल रहे हैं। और सारे लोग आ गए, ये पीछे अज्जू की गाड़ी और एक पीछे एक और भाई है, एक सब्सक्राइबर भी मिले फोटो लेने के लिए। वो बोल रहे हैं भैया गाड़ी का शीशा डाउन करो। अज्जू भाई कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो डाउन नहीं करूँगा, नहीं एक्चुअली डाउन कर लिया, मजाक कर रहा हूँ मैं। ये जो रास्ता है ना थोड़ा थोड़ा जैसलमेर का याद दिला रहा है। मतलब यहाँ पे कैक्टस के प्लांटेशन और ये भी ना डिफरेंट है, वेजिटेशन एकदम डिफरेंट है, कांटे वाले जो पेड़ होते हैं ना वैसा टाइप का। तो रन में ना आपको बहुत सारा ना डिफरेंट वेजिटेशन मिलता है। और यहाँ से ना मांडवी भी पास है, तो देखते हैं अगर अपने को टाइम मिला तो अब मांडवी भी 90-95 किलोमीटर्स के आसपास है, भुज भी पास है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक्सप्लोर करने को मिल जाता है। जी हमारा पूरा नेटवर्क तो जा चुका है, 1:13 यहाँ पे। एक्चुअली अभी पीछे हमें कैमल्स भी दिख गए थे, तो हमें थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं राजस्थान जैसलमेर के साइड आ गया हूँ ना। बाकी इधर भी वैसा ही है जैसे कल अपने को मिल रहा था ना, एकदम सूखा सूखा सा और नुकीले जो कांटे वाले पेड़ होते हैं ना वैसे पेड़। क्योंकि पानी की यहाँ पे बहुत कमी है, पानी की कमी है ना जी भाई? हाँ बहुत कमी है। हमारे साथ तो गूगल है ना, तो हम डेजर्टेड। हाँ भाई क्या मस्त नज़ारे यार, देखो पूरा ख़त्म हो गया, ये डेजर्ट स्टार्ट हो गया यहाँ पे। और ना दोनों साइड डेजर्ट है और सामने ना पानी आ जाता है। ये क्या, कौन सी जगह? ये खड़ी राग है। खड़ी राग, खड़ी अच्छा। अज्जू कुछ फोटो वोटो के लिए शायद डिपर मार रहा है। एक बार बाहर से दिखाता हूँ, क्या ज़बरदस्त चीज़ है यार ये जगह। ओ भाई हाँ भाई साहब क्या ज़बरदस्त है यार। भाई यहाँ से जो नज़ारे हैं ना ये देखो क्या ज़बरदस्त लग रहा है। तो यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा सा अगर ड्रोन वोन उड़ा पाएँ तो अपन ड्रोन उड़ा लेंगे। बाकी हमारा ड्रोन तीन ड्रोन है, तो वो तीनों उसी गाड़ी में। अपना प्लान ये है ना कि इधर ना डेजर्ट पे हम थोड़ा सा गाड़ी उतारेंगे, ये आगे से नीचे उतारने का जगह है क्योंकि यहाँ से तो रोड एलिवेटेड है। बाकी बहुत सही जगह है भाई, इतना मस्त ना। और ट्रैफिक ही नहीं है यार, ट्रैफिक छोड़ो एक इंसान नहीं दिख रहा। तो अब देखते हैं कहीं ना कहीं से तो जगह अपने को मिल जाएगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ ट्रक्स वक्स तो चले हुए दिख रहे हैं। ये तो मज़ेदार है, नमक है, सारा नमक है, सॉल्ट है, ये हाँ रेत और नमक ना। यहाँ पे ड्रिफ्ट मारने का प्लान कर रहे हैं, इस एरिया में ऐसे ड्रिफ्ट मारेंगे। यहाँ खुला है ना तो यहाँ पे मज़ा भी आएगा। I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Then we lay low. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm
it's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. Add it up. Told you if it's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. तो भाई यहाँ पे हम बहुत देर तक एक हमें खाली प्लेग्राउंड मिल गया था। अब भैया प्लेग्राउंड ऐसा मिला कि हमने कहा नहीं भाई यहाँ तो मजा आएगा, यहाँ तो मजा आएगा। तो हमने उस प्लेग्राउंड का फुल यूटिलाइजेशन किया और ना नीचे ना एक्चुअली मिट्टी ऐसी थी ना, हैंड ब्रेक, मिट्टी ऐसी थी ना कि नीचे एक दो जगह तो प्रॉपर गाड़ी ऐसे फंसते फंसते रही है। मतलब 4x4 एंगेज भी करना पड़ा हमें। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल टू व्हील ड्राइव पे ये सारे ड्रिफ्ट हम कर सकते थे। बीच में गाड़ी अगर रुक रही है ना कहीं पे, तो वहां पे प्रॉपर 4x4 की जरूरत भी पड़ रही है। तो भाई फॉर्च्यूनर और डिफेंडर के साथ तो जब आप आओ ऐसे जगह पे तो ये सारा प्लेग्राउंड वाला फन तो बनता है। बाकी इस ब्लॉग को करते खत्म, अभी यहाँ से हमारा डोलावेरा का जो रास्ता है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर और रोड बहुत सीनिक है। मतलब वो जगह इतना अमेजिंग है, इस साइड से निकल है ना, हाँ अपनी गाड़ी उधर है, इतना अमेजिंग, इतना अनएक्सप्लोर्ड है ना कि भाई यहाँ पे आप कितना भी टाइम स्पेंड करो, मतलब बाहर फिलहाल ट्रैक्शन भी इसका ऑफ किया हुआ था ना, बाहर 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और हम गाड़ी के अंदर अब एसी में आए हैं बहुत सारे शॉट्स लेने के बाद, बहुत सारा फन करने के बाद। तो चलो गाइस, अगर ये व्लॉग अच्छा लग रहा है, वीडियो थम्स अप, चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब टू चैनल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन। It's all me, everything is on me, gon' back it up.